बीजेपी की बहुप्रत्याशित उम्मीदवारों की सूची आज जारी की जा सकती है। इस सूची में 118 प्रत्याशियों के नामों पर मोहर लगाई जा सकती है। बीते 3 दिनों में इस विषय पर दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं के बीच बैठकों का दौर चल रहा था। चुनावों के ऐलान के बाद लगातार मंथन हो रहा है, बैठकों का दौर चल रहा है और उम्मीदवारों के नामों पर जिस तरह से मंथन किया जा रहा है, बीजेपी में हमने देखा कि किस तरह से हर एंगल पर सोच विचार किया जाता है। अगर बात की जाए सोशल इंजीनियर की, अगर बात की जाए किस तरह से फीडबैक मिल रहा है, किस तरह का आपका काम रहा है, हर एक चीज पर विचार करने के बाद लिस्ट जारी की जाती है। तो आपको बता दें 118 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। अपडेट के लिए रुक कर सकते हैं, हमारे अपडेट के लिए रुक कर रहे हैं हमारे सहयोगी आलोक गुप्ता का। आलोक, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बीजेपी में महामंथन चल रहा है, बैठकों का दौर चल रहा है, आज की बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए बीजेपी की केंद्रीय नेतृत्व पिछले 3 दिनों से लगातार दिल्ली में बैठकें कर रहा है ताकि तीसरे और चौथे चरण के उम्मीदवारों की सूची को जारी किया जा सके। प्रदेश अध्यक्ष से लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक मौजूद रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे हैं और अब जो जानकारी मिल रही है शाम तक तीसरे चौथे चरण के उम्मीदवारों की जो सूची है वो आ सकती है और तमाम कैंडिडेट जो इंतजार कर रहे हैं उनमें प्रसन्नता की लहर भी आ सकती है। हालांकि जो अभी तक 107 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई थी उसमें देखा जाए तो करीब 21 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए थे और उम्मीद की जा रही है कि जो सर्वे हुए हैं बीजेपी ने अपने जो सर्वे कराए हैं प्रदेश के अंदर 4-4 सर्वे कराए हैं उस सर्वे रिपोर्ट पर मंथन के बाद में अब यह रिपोर्ट आसाम को शाम तक आ सकती है। बेशक आलोक जी, आप नजर बनाए रखिए। शुक्रिया, तमाम महत्वपूर्ण।